हेलो एंड वेलकम टू आवर शो बॉलीवुड गपशप, जहां होगा बॉलीवुड का ढेर सारा मसाला। और आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त मैं हूं पारुल त्यागी। बॉक्स ऑफिस पर 83 पास हुई या फेल, किसका किससे हुआ कनेक्शन, इस साल में कौन से सेलेब्स की पोस्ट ने मचाई धूम, बॉलीवुड गपशप में मिलेगा एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज। तो हो जाइए तैयार एंटरटेनमेंट के पूरे डोज के लिए। फिल्म 83 ने 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के ऐतिहासिक लम्हों को फिर से जीने का मौका दिया है, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसे हॉलीवुड और साउथ सिनेमा की फिल्मों से मुकाबला करना पड़ा। दूसरी ओर कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने भी इसकी कमाई पर असर डाला है और इसीलिए ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चौके छक्के लगाने में नाकामयाब रही। ये रिपोर्ट देखिए। '83 में भारतीय धुरंधरों ने क्रिकेट विश्व कप जीत का इतिहास रच दिया था। इस कहानी को अब डायरेक्टर कबीर खान ने बड़े ही करीने से पर्दे पर उतारा है। कपिल देव के किरदार में रणवीर सिंह का लुक हर ओर सराहा जा रहा है। फिल्म को भी क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने बड़े अच्छे रिस्पांस दिए, लेकिन जिस 83 से बॉक्स ऑफिस पर चौके छक्के लगाने की उम्मीद की जा रही थी वैसा हुआ नहीं। ओमिक्रॉन का पैर पसारना, हॉलीवुड और साउथ की फिल्मों का एक साथ रिलीज होना, सब कुछ 83 पर भारी पड़ता नजर आया। ऐसे में अब आपको वो पांच वजह बताते हैं जिस वजह से 83 कमर्शियल हिट नहीं साबित हो पाई। सबसे पहले 83 के पहले हफ्ते के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का आंकड़ा देखते हुए तो ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म का जो बीओ पेश किया उसके मुताबिक 83 की कमाई में भारी गिरावट देखी गई। शुक्रवार को फिल्म ने 12 करोड़ से ओपनिंग की थी, इसके बाद शनिवार को 16 करोड़ और रविवार को 17 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। फिर चौथे दिन सोमवार को फिल्म के इस बॉक्स ऑफिस आंकड़े में 10 करोड़ का अंतर नजर आया। 83 ने चौथे दिन 7 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म ने 4 दिनों में बड़ी मुश्किल से 54 करोड़ की कमाई कर हाफ सेंचुरी का कलेक्शन किया है। साथ ही दूसरा रीजन है ओमिक्रॉन, जो बेहद अहम है। अभी लोगों के मन से कोरोना का डर गया नहीं कि ओमिक्रॉन की दहशत फैल गई है। ये भी एक वजह है जिस वजह से लोग थिएटर पर जाकर रिस्क नहीं लेना चाहते। तीसरी वजह सबसे बड़ी है, वो है हॉलीवुड और साउथ की फिल्मों का रिलीज होना। हॉलीवुड मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम और साउथ मूवी पुष्पा 83 से एक हफ्ते पहले ही रिलीज हुई थी। लोगों पर इन दोनों ही फिल्मों का ऐसा नशा छाया कि लोग 83 को भूल ही गए। दोनों फिल्मों ने 83 को बॉक्स ऑफिस पर काफी पीछे छोड़ दिया, ये अभी भी जारी है। फिल्म में रणवीर सिंह के मेकअप पर कोई यकीन नहीं कर सकता क्योंकि वो हूबहू कपिल देव जैसे लग रहे हैं, लेकिन फिल्म के दूसरे कास्ट पर इतनी मेहनत नहीं की गई। क्रिकेट प्रेमियों को ये बात खली और दर्शकों ने भी इस बात पर ध्यान दिया। पांचवी वजह की बात करें तो इसमें पब्लिक की दो राय आती है। कई लोग हैं जो 83 को अलग अलग वजहों से फ्लॉप बता रहे हैं। वहीं एक यूजर ने लिखा, मूवी इसलिए फेल हुई क्योंकि दीपिका पादुकोण फिल्म का प्रमोशन करने JNU या अफगानिस्तान नहीं गई। वहीं कबीर खान को भी फिल्म में एक सीन एड करना चाहिए था जिसमें दिखाया जाता कि कैसे मुगलों ने इस द्वीप पर क्रिकेट की शुरुआत की। और एक यूजर ने दीपिका पर फिल्म के फ्लॉप होने का ठिकरा ही फोड़ दिया, लिखा कि रणवीर सिंह पसंद हैं पर फिल्म इसलिए नहीं देखी क्योंकि दीपिका ने एंटी नेशनल्स के साथ खटिया स्टंट किया था, शेम ऑन हर। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, अपना चार्म खो दिया, वो सिर्फ रीमेक या बायोपिक बनाते हैं। कौन इस डॉक्यूमेंट्री मूवी 83 को देखने थिएटर जाएगा? एक यूजर ने फिल्म को सिर्फ क्रिकेट लवर्स के लिए ही बताया, लिखते हुए कहा कि मूवी सिर्फ क्रिकेट के बारे में है, तो अगर किसी को क्रिकेट नहीं पसंद है तो वो इसे देखने क्यों जाएगा, और टिकट की कीमत भी बहुत महंगी है।
जनता ने इस फिल्म को फ्लॉप तो घोषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन दीपिका को तो कुछ ने क्रिकेट सब्जेक्ट को फिल्म के ना चलने की वजह ही बता दिया। खैर, कमर्शियल ना सही पर लगभग सभी आलोचकों ने 83 को बेहतरीन मूवी बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह जल्द ही मां बनने वाली हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए फैंस को दी थी। भारती और उनके पति हर्ष लंबाचिया अपने बच्चे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसका जन्म अगले साल अप्रैल महीने में होगा। लेकिन पहली बार भारती ने बेबी बम की फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की और क्या लिखा इस रिपोर्ट में देखिए। जानी मानी कॉमेडियन भारती सिंह ने कुछ समय पहले ही अपनी प्रेगनेंसी को अनाउंस किया है। भारती इस समय 5 महीने की प्रेग्नेंट है और वो प्रेगनेंसी पीरियड के हर पल को अपने पति हर्ष लंबाचिया के साथ एंजॉय कर रही है। हाल ही में भारती ने अपनी एक नई फोटो को शेयर किया है, जिसमें वो रेड ड्रेस पहने हुए नजर आ रही है और अपना बेबी बम पहली बार फ्लॉन्ट कर रही है। इस तस्वीर में उनके पति उनके बेबी बम्प पर हाथ रखे हुए नजर आ रहे हैं। भारती ने इस फोटो को शेयर करते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, संता आएगा या संती, क्या लगता है आपको, जल्द ही कमेंट में बताओ। आपको बता दें कि भारती मां बनने को लेकर काफी उत्साहित हैं। वो पिछले 2-3 साल से फैमिली प्लानिंग में जुटी हुई थी। अपने कई इंटरव्यूज में भारती ने इस ओर इशारा किया था कि वो जल्द से जल्द अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहती हैं। भारती ने पिछले दिनों ये भी कहा था कि वो प्रेगनेंसी के अंतिम चरण तक काम करेंगी। भारती ने कहा था कि मैं खुश हूँ कि हम प्रेगनेंसी के दौरान काम कर रहे हैं। मैं प्रेगनेंसी के 9वें महीने तक काम करना चाहती हूँ। हमारा बच्चा भी हमारी मेहनत महसूस कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि बच्चा भी उतना ही मेहनती हो जितने हम हार्ड वर्किंग हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चा अपने पापा की तरह मेहनती निकले। हर्ष इन दिनों काम में और ज्यादा समय दे रहे हैं। हम इस समय ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे हैं ताकि जब बच्चा आए तो उसके साथ ज्यादा वक्त बिता पाएं। भारती ने कहा कि मेरे से ज्यादा बच्चे की माँ हर्ष है। वो लाइफ में इस नए पड़ाव को लेकर बेहद खुश हैं। मैं इस वक्त मूड स्विंग्स और मॉर्निंग सिकनेस झेल रही हूँ, लेकिन हर्ष मेरा खूब ध्यान रख रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत और चैलेंजिंग फेस है। आपको बता दें कि हर्ष और भारती ने साल 2017 में गोवा में काफी धूमधाम से शादी की थी। भारती अपनी प्रेगनेंसी को लेकर हमेशा से ही काफी एक्साइटेड रही हैं और पिछले करीब 2-3 साल से अपनी फैमिली प्लानिंग भी कर रही हैं। कुछ समय पहले शो डांस दीवाने 3 में कंटेस्टेंट ने परफॉर्म किया, जिसे देखकर भारती सिंह काफी इमोशनल हो गई थी। परफॉर्मेंस के बाद कंटेस्टेंट ने बताया कि मैंने स्टेज पर जो परफॉर्म किया वो एक सच्ची घटना है। एक मां ने कोरोना की वजह से अपने 14 दिन के बच्चे को खो दिया था। ये सुनकर शो में बतौर गेस्ट बनकर पहुंचे एक्टर सोनू सूद भी काफी भावुक हो गए थे। भारती सिंह ने भी रोते हुए सोनू सूद को बताया था कि वो और हर्ष बेबी प्लान करने का सोच रहे थे, लेकिन कोरोना में जो लोगों का हाल हुआ उसे देखकर वो काफी डर गई हैं। भारती ने ये भी बताया कि वो अंदर से काफी मजबूत हैं, लेकिन इतनी भी स्ट्रांग नहीं कि वो बच्चा खोने का दर्द सहन कर पाए। हर कोई भारती सिंह के आने वाले लेकिन बच्चे के लिए काफी एक्साइटेड है। ऐसे में पेपराजी और रिपोर्टर ने भारती सिंह से उनसे एक सवाल किया कि वो बेटा चाहती हैं या बेटी। रिपोर्टर के सवाल पर भारती ने बेहद बेबाक और मजेदार जवाब दिया था। दरअसल रिपोर्टर के सवाल पर भारती ने सीधे कहा, लड़की मेरे जैसी मेहनती, आपके जैसा नहीं जो एक लड़की को रोक के इंटरव्यू ले रहा है। इसके साथ ही भारती कहती हैं, लड़की चाहिए उसे कह दो बेटी चाय बना दो, मम्मा पहुंच रही हैं तो चाय बना कर रखे। बेटे को फोन कर कर कह दो कि बेटा
बोलो अभी क्रिकेट खेल रहा हूं मैं, नहीं लड़कियां बेस्ट होती हैं, मुझे लड़की ही चाहिए। भारती सिंह का ये अंदाज सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। आपको बता दें कि भारती सिंह 5 महीने की प्रेग्नेंट है, लेकिन फिर भी अपनी मस्ती से बाज नहीं आ रही। उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रेगनेंसी का ऐलान किया था और इसके बाद वो अपना बेबी बम्प भी फ्लॉन्ट करते हुए नजर आई थी। और अब उन्होंने एक बार फिर से अपनी मस्ती भरा वीडियो भी शेयर किया। ये तो हम सब जानते ही है कि जहाँ भारती सिंह वहाँ हंसी और एंटरटेनमेंट का डोज तो जरूर होता है। साथ ही कई वीडियोज में उनका ये एंटरटेनमेंट वाला अंदाज भी देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तो बॉलीवुड गपशप में वक्त हो गया है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन आगे आपको बताएंगे पुलकित सम्राट के बर्थडे पर कुछ उनके बारे में अनसुने किस्से। सरकारों से सवाल पूछना है मेरी आदत। मैं वो नहीं हूँ जो सत्ता से सवाल नहीं पूछते, मैं वो हूँ जो सत्ता से ही सवाल पूछता हूँ। मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ, उसी पे बात करता हूँ। राष्ट्रहित राष्ट्रहित राष्ट्रहित, किसी ने राष्ट्रहित नहीं दिखाया। मेरा अंदाज है बेबाक। माननीय मेनका गांधी जी, आपने कहा कि तुम्हारे पिता क्या चपरासी थे, तो सुनिएगा सांसद जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाय बेचते थे। हम उठाते हैं आपके मुद्दे। माहौल गरम है, मुद्दा भी गरम है। फोन बजा के पूछिए इनसे कि क्या वादे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो रिजाइन करोगे। अपना जोश और वोट बचा के रखिएगा। भारत माता की। हम लेते हैं सीधा सरकारों से जवाब। बहुत सारे सवाल है। इस आंदोलन में बहुत सारे किसानों ने अपनी जान गवा दी। लखीमपुर तो आप पहुँच गए, पंजाब में क्या किसी किसान की मौत नहीं हुई? न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। सब यहाँ किसान परिवार से आते हैं, आप क्यों खेत दिखा रहे हैं? आपकी सरकार में किसान क्या खुदकुशी नहीं करते थे, तब आपकी सरकार आती है। हम हैं न्यू वर्ल्ड इंडिया। मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है? मेरे भारत फेक न्यूज फैलाना इतना आम क्यों हो गया है? तो ऐसे में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल, तब भारत एट नाइन में हम बात करेंगे उस परत दर परत की, जहां से सच बेनकाब होगा। आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ईमानदार लफ्ज अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं, तो हम झूठ की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते। तो सोमवार से शुक्रवार तक मुलाकात होगी आपसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल न्यूज ब्रॉडकास्ट भारत एट नाइन पर। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ सिर्फ न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। आज बॉलीवुड के चमचमाते एक्टर पुलकित सम्राट का जन्मदिन है। एक्टर ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उनके करियर को पहचान फुकरे फिल्म से ही मिली थी। एक्टर ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई दिल्ली से की और एक्टर अपनी फिल्मों से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में रखे हैं। तो आज पुलकित के बर्थडे पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ अनसुने किस्से, जो शायद ही आपको पता होंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड एक्टर पुलकित सम्राट इस समय इंडस्ट्री के सबसे लकी एक्टर्स में से एक हैं। वो इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक कृति खरबंदा को डेट कर रहे हैं। दोनों की खूबसूरत बॉन्डिंग देख फैंस काफी खुश होते हैं। पुलकित 38 साल के हो गए हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर आपको आज उनके जीवन से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट्स आपको बताते हैं। पुलकित सम्राट का जन्म दिल्ली के शालीमार बाग में हुआ था और उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग से एडवर्टाइजमेंट का कोर्स किया। उन्होंने 5 महीने के अंदर ही मॉडलिंग असाइनमेंट भी मिलने लगे और इस बीच उन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट की पढ़ाई छोड़कर और एक्टिंग कोर्स करने के लिए मुंबई पहुंच गए। ऐसे में किशोर नमित कपूर से उन्होंने एक्टिंग की तालीम ली। एक्टर ने अपने करियर की शुरुआत साल 2006 में अब तक के सबसे पॉपुलर सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहुती से की थी।
इस सीरियल में वो लक्ष्य विरानी के रोल में नजर आए थे, मगर फिल्मों में काम पाने के लिए उन्हें 6 साल का इंतजार करना पड़ा। साल 2012 में वो फिल्म बिट्टू बॉस में नजर आए और फिर साल 2013 में उनकी वो फिल्म रिलीज हुई जिसने उनकी किस्मत ही बदल दी। साल 2013 में फुकरे फिल्म में नजर आए और इसी फिल्म के लिए वो आज भी जाने जाते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि पुलकित सम्राट सलमान खान की जय हो में भी नजर आ चुके हैं। वो डॉली की डोली, सनम रे, जुनूनियत, पुकरे रिटर्न्स, वीरे की वेडिंग, पागलपंती, तैश और हाथी मेरे साथी जैसी फिल्मों का भी हिस्सा रह चुके हैं। इसके अलावा वो मेड इन हेवन जैसी वेब सीरीज में भी काम कर चुके हैं। पर्सनल लाइफ की बात करें तो पुलकित सम्राट ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड श्वेता रोहिरा संग शादी की थी। श्वेता बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की बहन है, मगर दोनों की शादी ज्यादा समय तक नहीं चल सकी। दोनों की शादी सिर्फ 1 साल ही चली और उसके बाद दोनों का तलाक हो गया। वहीं इसके बाद उनके जीवन में कृति खरबंदा ने एंट्री मारी। दोनों का रिलेशनशिप काफी गहरा हो चुका है। दोनों कुछ फिल्मों में साथ भी नजर आ चुके हैं। साथ ही दोनों ने एक दूसरे को अपने घर वालों से भी इंट्रोड्यूस करा दिया है। दोनों की शादी की चर्चा भी पिछले 1-2 साल से देखने को मिल रही है। कपल अपने रिलेशनशिप को ओपन भी कर चुका है और इस जोड़ी पर फिदा भी नजर आते हैं। कयास तो ऐसे भी लगाए जा रहे हैं कि साल 2022 में दोनों शादी कर अपने रिश्ते की नई सिरे से शुरुआत भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि पुलकित सम्राट का जन्म 29 दिसंबर 1983 दिल्ली की एक पंजाबी फैमिली में हुआ था। उनके पिता सुनील सम्राट एक बिजनेसमैन हैं। पुलकित सम्राट की पूरी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में ही हुई है। पुलकित सम्राट उन चुनिंदा एक्टर्स में से हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी से की और फिर बॉलीवुड के फेमस एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो गए। मुंबई पहुंचकर उन्होंने किशोर नामित कपूर से एक्टिंग स्कूल से अभिनय के सीखे और ऐसे में पुलकित ने अपने करियर की शुरुआत साल 2006 में एकता कपूर के मशहूर सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी से की थी। इस सीरियल में पुलकित ने लक्ष्य विरानी का किरदार निभाया था और इस रोल से पुलकित पहचान में आए और उसके बाद उन्होंने शो से किनारा कर लिया और उसके बाद आगे बढ़ते हुए एक के बाद एक बड़ी फिल्मों का हिस्सा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। बीते जमाने के मशहूर अभिनेता राजेश खन्ना का आज जन्मदिन है। राजेश खन्ना का जन्म साल 1942 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था और 18 जुलाई 2012 को 69 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद राजेश खन्ना का मुंबई में निधन हो गया था। लेकिन राजेश खन्ना को भारतीय सिनेमा का पहला सुपरस्टार भी माना जाता है, तो ऐसे में आज उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ और दिलचस्प और अनसुने किस्से तो आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि आज राजेश खन्ना के जन्मदिन के मौके पर उनके फैंस भी उन्हें काफी ज्यादा याद कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें सोशल मीडिया पर ट्वीट्स किए जा रहे हैं, पोस्ट किए जा रहे हैं और उनके जन्मदिन को हर कोई मना रहा है। साथ ही कुछ लोग भावुक होते हुए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से राजेश खन्ना को सुपरस्टार माना जाता था, पहले सुपरस्टार कहा जाता था और एक के बाद एक बड़ी फिल्में उनकी तरफ से दी जाती थी, तो कहीं ना कहीं आज भी फैंस के दिलों में वो जिंदा है और कमी कहीं ना कहीं महसूस वो कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का आज जन्मदिन है। राजेश खन्ना ने 1969 से 1971 के बीच लगातार 17 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी जिसके बाद वो हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार कहलाए। उनका ये रिकॉर्ड आज भी कोई नहीं तोड़ पाया है। राजेश खन्ना ने अपने दौर में ऐसा स्टारडम देखा जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। चेतन आनंद की फिल्म आखिरी खत्म के साथ अपना डेब्यू करने वाले राजेश खन्ना को कभी बॉक्स ऑफिस का सबसे भरोसेमंद कलाकार माना जाता था। अपनी प्रेम कहानियों के अलावा राजेश खन्ना अपने बंगले को लेकर भी काफी सुर्खियों में छाए रहे थे। राजेश खन्ना के बंगले का नाम आशीर्वाद था। ये वही बंगला था जो पहले भूत बंगले के नाम से मशहूर था और राजेंद्र कुमार ने इसे 60,000 में खरीदा था। इस बंगले में आने के बाद राजेंद्र कुमार की किस्मत ही चमक गई। राजेंद्र कुमार ने अपने इस बंगले का नाम डिम्पल रखा था और ऐसे में काका को भी ये बंगला भा गया। उन्हें लगा कि इस बंगले में आने के बाद ही राजेंद्र कुमार जुबली कुमार बने।
राजेंद्र इस बंगले को बेचना नहीं चाहते थे, लेकिन राजेश खन्ना ने इसे खरीदने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। राजेश खन्ना को ये लगने लगा कि उनकी किस्मत भी इस बंगले में शिफ्ट होते ही चमक जाएगी, और ऐसा हुआ भी। जब राजेश खन्ना इस बंगले में शिफ्ट हुए तो उनकी हर फिल्म हिट होने लगी। काका ने इस बंगले का नाम इसीलिए आशीर्वाद भी रखा। ये बंगला राजेश खन्ना की सफलता का गवाह भी बना। लड़कियां राजेश खन्ना की एक झलक पाने के लिए बंगले के बाहर घंटों खड़ी रहती थी। हजारों फैंस की भीड़ देख राजेश खन्ना अपनी बालकनी में आके फैंस का अभिवादन भी करते थे। राजेश खन्ना को अपनी फिल्म में लेने के लिए प्रोड्यूसर्स ने इसी बंगले के चक्कर भी काटे। ये बंगला अपनी मेहमान नवाजी के लिए भी मशहूर हो गया। राजेश खन्ना जब डिम्पल को ब्याहने गए तो उनकी बारात भी इसी बंगले से निकली थी। राजेश खन्ना अपने यहाँ आए मेहमानों की भी खूब खातिरदारी करते थे। उनके घर पर हर शाम महफिल जमा करती थी और देर रात तक पार्टी भी चला करती थी। इसी वजह से वो हर रोज शूटिंग पर बहुत देर से पहुंचते थे। हालांकि काका इतने बड़े सुपरस्टार थे कि उन्हें डांटने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। 29 दिसंबर को ही राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना का भी जन्मदिन होता है। 1974 में ट्विंकल के जन्म के बाद से राजेश खन्ना अपना बर्थडे बेटी के साथ ही मनाया करते थे। हालांकि आज राजेश खन्ना की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना ने पापा को याद कर बचपन की उनके साथ वाली एक फोटो को शेयर किया है। इस फोटो में नन्ही ट्विंकल अपने पापा को किस करती हुई नजर आ रही है। इस मौके पर वो काफी इमोशनल भी नजर आई। उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा कि उन्होंने हमेशा कहा कि मैं उनके लिए अब का सबसे अच्छा गिफ्ट थी, क्योंकि मैंने उनके जन्मदिन पर दुनिया में पहले कदम रखा था। एक छोटा सा तारा आकाशगंगा में सबसे बड़े को देख रहा है। ये हमारा दिन एक साथ है अभी और हमेशा के लिए। ट्विंकल के पोस्ट पर फैंस भी जमकर कमेंट कर रहे हैं और राजेश खन्ना के साथ उन्हें भी बर्थडे विश कर रहे हैं। आपको बता दें कि उनका जन्मदिन भी उनके पापा के बर्थडे के दिन ही आता है। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी ने उनकी बायोपिक के राइट्स भी खरीद लिए हैं। निखिल ने राइटर गौतम चिंतामणि की बुक डार्क स्टार द लोनलीनेस ऑफ बीइंग राजेश खन्ना के अधिकार अपने पास सुरक्षित कर लिए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने फिल्म डायरेक्ट करने के लिए कोरियोग्राफर फराह खान को भी अप्रोच किया है। फराह ने एक इंटरव्यू में इस बात को कंफर्म भी करते हुए बताया कि हाँ, मैंने गौतम की किताब पढ़ी है और वो बेहद शानदार बुक है, और अभी हम इस पर बातचीत कर रहे हैं और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। निखिल ने बताया कि बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार की कहानी है और हम फिल्म में उनकी पर्सनालिटी और उनकी उपलब्धियों को दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया कि फिल्म में कौन राजेश खन्ना का किरदार निभाएगा। आपको बता दें कि राजेश खन्ना ने अपने करियर में बैक टू बैक 15 सुपर हिट फिल्में दी थी, जिनका रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया। वो पंजाब के अमृतसर में पैदा हुए थे और उन्होंने 60 के दशक में आई फिल्म आखिरी रात से करियर की शुरुआत की थी। हालांकि उन्हें सफलता 1969 में मिली आराधना फिल्म से मिली थी। इस फिल्म में उनके साथ शर्मिला टैगोर थी और इसके बाद तो राजेश खन्ना ने बॉलीवुड में जो ऊंचाइयां छुई वहां तक शायद ही आज कोई पहुंच पाया हो। राजेश खन्ना के सुपरस्टार बनने में उनका अपना टैलेंट तो था ही, लेकिन उसके अलावा उनकी किस्मत चमकने के पीछे एक मजेदार कहानी भी थी। बी टाउन में उस वक्त ये अफवाह तेजी से फैली थी कि राजेश खन्ना के इस स्टारडम के पीछे एक भूत बंगले का हाथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।